हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस कथा में आपको गरुड़ महापुराण का महत्व बताने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि गरुड़ महापुराण का क्या महत्व है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तविक तथ्य है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में होता है जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु की से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विस्तार में वर्णन में बताया गया है। तो आज मैंने आपको इतना बताया है, आगे मैं और भी कथाएँ गरुड़ पुराण की आपको सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।